नमस्कार, जेएनआई न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का अग्रवाल। सिद्धार्थनगर जिले में बाढ़ से बिगड़े हालात के बीच उत्तर प्रदेश के जल शक्ति बाढ़ नियंत्रण मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने दौरा किया। डॉक्टर महेंद्र सिंह हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन पहुंचे और पुलिस लाइन सभागार में बाढ़ के हालात को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और हर बाढ़ प्रभावित को समय से राहत सामग्री पहुंचाने के लिए निर्देश दिए। मोहम्मद ऑन फारूकी की रिपोर्ट। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आज मैं घोडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर के प्रवास में हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कहा है कि जाकर के सभी जिलों को देखिए, जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हैं उनकी समीक्षा करिए और अधिकारियों के साथ बैठ करके जनता जनार्दन को हर तरीके की सुविधा मिले इसको सुनिश्चित कराइए। उसी क्रम में मैं घोडा बलरामपुर होते हुए सिद्धार्थनगर आया हूँ। सिद्धार्थनगर को मैंने अभी ऊपर से देखा है, जो मैं देख पाया हूँ उसके आधार से बहुत सारे गांवों के चारों तरफ पानी है, कुछ गांवों के तीन तरफ पानी है, कुछ गांवों के दो तरफ पानी है, कुछ गांव पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, कुछ गांवों में कुछ घरों में पानी है। लेकिन जिला प्रशासन ने जिस तेज़ी के साथ काम किया और हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे मंत्रीगणों ने लग करके जो काम किया है, उसके कारण से पूरी तरीके से सिद्धार्थनगर में हमारे लोगों को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है और कोई पशुहानि, जनहानि, किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है। आज हम लोग अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए सभी विभाग के अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में बनाने की बात कही है। लोगों को राहत किट मिले, लोगों को भोजन का पैकेट मिले, लोगों को वस्त्र मिले, लोगों के यहाँ प्रकाश की व्यवस्था हो, लोगों को दवाई की किट मिले, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था हो और पुलिस प्रशासन हर समय गश्त करे, इन सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के दृष्टि से आज हम लोगों ने यहाँ पर बैठक किया है। बड़ी बात है कि हमारी राप्ती जो है वो पिछले 25 दिनों से खतरे के निशान से ऊपर चल रही है। आज भी अभी भी राप्ती लगभग 84 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर हैं। बूढ़ी राप्ती भी लगभग 1 मीटर 1.25 मीटर खतरे के निशान से ऊपर हैं। सभी नदियां उफान पर हैं। सरयू भी पिछले 39 दिनों से खतरे के निशान से ऊपर चल रही हैं, लेकिन धीरे धीरे अब पानी पीछे घटना शुरू हुआ है। उम्मीद है कि यहाँ भी 1-2 दिन के अंदर पानी घटेगा। बड़ी बात है कि जितने बंधे हैं वो सब सुरक्षित हैं, लोग सुरक्षित हैं और हम पूरा भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि निश्चित रूप से बंधे सुरक्षित रहेंगे और हमारी पूरा सिद्धार्थनगर सुरक्षित रहेगा। हम लोगों ने अभी यहाँ योजना रचना बनाई है, हमारे मंत्री जी, हमारे विधायकगण, सब जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हम सब लोग मिल करके काम करेंगे और जो लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं उनके तक हर तरीके की राहत सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। 115 गांव तक जनता गांव की प्रभावित है और 315 गांव ऐसे हैं जहां की खेती प्रभावित हुई है। तो 115 गांव जो जनता जहाँ की प्रभावित है उसमें से 15-20 गांव ऐसे हैं जो ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, बाकी चारों तरफ से पानी आया है। SDRF की टीम, PSC की टीम और मेडिकल टीम, नाव, स्टीमर, गोताखोर, इन सब की व्यवस्था की गई है। कहीं पर कोई आवश्यकता पड़ती है तो उसका उपयोग किया जाएगा। बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं, राहत केंद्र भी बनाए गए हैं। अभी ऐसी स्थिति नहीं बनी कि हम राहत केंद्रों में लोगों को रखें, क्योंकि लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने गाँव में अभी रह रहे हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाढ़ चौकियों पर उनको ले आएंगे, राहत शिविरों में उनको लाएंगे और पूरी तरीके से सरकार उनके साथ खड़ी है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत सिद्धार्थनगर की जनता जनार्दन को नहीं होने पाएगा। मैं आपके माध्यम से सिद्धार्थनगर की जनता जनार्दन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हर तरीके की व्यवस्था जनता के लिए किया है, इसलिए जनता को घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैरुंड गाँव में अक्सर शिकायतें मिल रही कि वहाँ तक राहत सामग्री नहीं पहुँच पा रही, ऐसे कई गाँव में। अभी अभी हमारे जिलाधिकारी जी ने बताया, हमारे विधायक जी ने भी बताया, हमारे आदरणीय मंत्री जी ने बताया कि सब जगहों पर राहत सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। जिन गांवों की बात आप कर रहे हैं वहां पर भी बोट की व्यवस्था करके, कठिन है, आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी वहां भी राहत सामग्री पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। छोटी छोटी नदियाँ हैं, नेपाल से निकलती हैं, जो काफी मतलब काफी तबाही है, तेज गति से चलती है, तेज गति से चलती है, सीएम सिटी तक जो तो अगर गोरखपुर की बात की है वहाँ भी तबाही मचाती है। निश्चित रूप से जल है, जल के प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता और जब ऊपर से पानी आता है तो गति तेज होती है। मतलब जैसे वो वहाँ घट रहा पानी, तो ये नेपाल से क्या बातचीत हो रही है? देखिए, नेपाल से या किसी भी स्टेट से बात करने का सब्जेक्ट नहीं है। पानी है कि वो रोक नहीं सकते, कोई भी पानी आता है तो उसका फ्लो स्वाभाविक रूप से इधर की तरफ आता है और बरसात के पानी
तो वो पानी आता है तो निश्चित रूप से हमारा तराई बेल्ट उससे प्रभावित होता है, लेकिन फिर भी बाढ़ बचाव का इतना अच्छा काम हम लोगों ने किया है कि कम से कम पिछले वर्षों की अपेक्षा हम लोग सुरक्षित हैं।